आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं शुभा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नववर्ष से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजरतगंज पुलिस ने नववर्ष के अवसर पर की पेट्रोलिंग। न्यू ईयर को लेकर हजरतगंज पुलिस ने देर रात की पेट्रोलिंग। डीसीपी सेंट्रल एसीपी हजरतगंज फोर्स के साथ निकले। पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में पैदल किया मार्च। न्यू ईयर को लेकर हजरतगंज पुलिस ने देर रात की पेट्रोलिंग। डीसीपी सेंट्रल एसीपी हजरतगंज फोर्स के साथ निकले। पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में की पैदल मार्च। न्यू ईयर को लेकर हजरतगंज पुलिस ने देर रात की पेट्रोलिंग। पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते नजर आए बाजारों में। न्यू ईयर को लेकर पुलिस ने की देर रात पेट्रोलिंग। हजरतगंज पुलिस डीसीपी सेंट्रल एसीपी हजरतगंज फोर्स के साथ निकले बाजारों में। पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में की पैदल मार्च। तो नए साल को लेकर सख्ती देखने को मिली है। नए साल के उपलक्ष्य में जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, जिसका पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर नजर आई। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 8 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। रामकुमार एडीजी वाराणसी जोन बने। ब्रिजभूषण एडीजी लखनऊ जोन बने। अनिवास चंद्र डीजी फायर सर्विस उत्तर प्रदेश बने। एस एन साहब डीजी फायर कॉरपोरेशन बनाए गए। सुभाष चंद्र एडीजी साइबर क्राइम बनाए गए। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां 8 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। रामकुमार एडीजी वाराणसी जोन बनाए गए। ब्रिजभूषण एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए। उत्तर प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीज के आंकड़े। बड़ी खबर सामने आ रही है, 24 घंटे में कोरोना के 251 नए मामले आए सामने। राजधानी लखनऊ में 49 नए केस मिले। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 862 हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीजों के आंकड़े। बड़ी खबर सामने आ रही है, 24 घंटे में कोरोना के 251 नए मामले आए सामने। राजधानी लखनऊ में 49 नए मामले मिले। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 862 हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीजों के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 251 नए मामले आए सामने। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 घंटे में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी जारी, घर कारखाने पेट्रोल पंप में पड़ताल जारी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 घंटे से इनकम टैक्स टीम की छापेमारी जारी। घर कारखाने पेट्रोल पंप में पड़ताल जारी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां 12 घंटे से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। घर कारखाने पेट्रोल पंप सभी जगह पर पड़ताल की जा रही है। कन्नौज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जबकि देखो जिलों से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है और लगभग 12 घंटे से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। सीएम योगी ने किया ट्वीट, बड़ी खबर सामने आ रही है, वैष्णो देवी में हुए हादसे पर जताया दुख। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अशांत, मां आदिशक्ति दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम योगी का ट्वीट आया सामने। सीएम योगी ने ट्वीट किया है, वैष्णो देवी में हुए हादसे पर जताया दुख। रामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 25 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। बिलासपुर मिलक में होगा कार्यक्रम। रामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी।
किसान सम्मान निधि का होगा वितरण। बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 करोड़ किसानों को मिलेगी 10वीं किश्त। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे ट्रांसफर, 20,000 करोड़ की धनराशि की जाएगी ट्रांसफर। सीएम योगी भी वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसान सम्मान निधि का होगा वितरण। 10 करोड़ किसानों को मिलेगी 10वीं किश्त, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे ट्रांसफर, 20,000 करोड़ की धनराशि की जाएगी ट्रांसफर। वैक्सीन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी खबर सामने आ रही है, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 10 से फ्रंटलाइन वर्कर बुजुर्गों को भी मिलेगी वैक्सीन। वैक्सीन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 10 से फ्रंटलाइन वर्कर बुजुर्गों को भी लगेगी वैक्सीन। नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल, कई श्रद्धालुओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल, कई श्रद्धालुओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, एम्स की महिला डॉक्टर निकली कोरोना पॉजिटिव। एम्स के दंत रोग विभाग में तैनात है महिला डॉक्टर, महाराष्ट्र से लौटी है कोरोना संक्रमित महिला डॉक्टर। कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, एम्स की महिला डॉक्टर निकली कोरोना पॉजिटिव। एम्स के दंत रोग विभाग में तैनात है महिला डॉक्टर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।